नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम एक ऐसी दवाई के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में। दोस्तों इस दवाई को मतलब किसी पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जेरोडेल एसपी जो दवाई है, ठीक है। जैसे आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल देख के और टाइटल देख के, जेरोडेल एसपी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फिर जानने वाले हैं दोस्तों कि जेरोडेल एसपी क्या है, ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है, इसका ऑल्टरनेटिव और कौन कौन से ब्रांड्स मेडिसिन हो सकता है, यानी कि अगर आपको जेरोडेल एसपी नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसके बदले में क्या 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 मेडिसिन दे सकते हो, मतलब एक ही कंपोजिशन का और कौन से ब्रांड हो सकता है। तो फिर उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं इसका यूजेस क्या है, ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो फिर और एक इम्पोर्टेंट सा बात यह है कि क्या आप लोग को पता है कि जेरोडेल एसपी अगर आप यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान। तो फिर ये भी जानने वाले हैं तो कि नुकसान क्या है, ठीक है। तो फिर जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और जो लोग नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ रिलेटेड और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिव सुंदर और स्वागत करता हूँ आप सबको हमारे चैनल द मेडिकेयर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये जो जेरोडेल एसपी का टैबलेट मेरे पास है उसी के बारे में। दोस्तों बात करने वाले हैं कि जेरोडेल एसपी क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा सॉल्ट मिला हुआ होता है, ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, साइड इफेक्ट बड़े मतलब सारे चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर पहले बताता हूँ कि जो जेरोडेल एसपी का ये टैबलेट है, ठीक है, तो ये क्या इसका कंपनी क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होता है ना, एक इंडिया में होता है वो इप्का करके एक कंपनी होता है, इप्का प्राइवेट लिमिटेड, उसी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, ठीक है। उसका प्राइस मतलब इसका प्राइस दोस्तों लगभग 86 से 90 तक के प्राइस के अंदर ही आता है। दोस्तों इसका जो ऑल्टरनेटिव ब्रांच वगैरह होता है, मतलब यानी कि अगर आपको जेरोडेल एसपी नहीं मिलता है तो इसके बदले में क्या क्या आप ले सकते हो, जैसे कि आप सिग्नोफ्लाम ले सकते हो, ठीक है, दोस्तों आइबुजेसिक एएसपी ले सकते हो और इसके साथ दोस्तों हाइफेनाक डी भी ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मेडिसिन अलग ब्रांड के अवेलेबल रहता है मार्केट में। दोस्तों ये जो जेरोडेल एसपी का मेरे पास ये जो टैबलेट है जेरोडेल एसपी का, ये क्या करता है ना दोस्तों, ये दोस्तों पेन रिलीफ तो करता ही है और उसके साथ साथ दोस्तों जो वेरियस कंडीशन होता है उसमें भी क्या करता है ना, जो सोइलिंग होता है ये सोइलिंग को भी कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो सॉल्ट होता है जो कंपोजिशन होता है वो मतलब क्या क्या रहता है ना इसमें दोस्तों, जो एसिक्लोफेनाक मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि एसिक्लोफेनाक जो रहता है वो दोस्तों रहता है 100 mg का। दोस्तों उसके साथ रहता है जो कि पैरासिटामोल जो कि रहता है 325 mg का रहता है। और उसके साथ दोस्तों और एक चीज ऐड किया गया है कि ये जो रहता है सेराटियोपेप्टाइड्स रहता है। जो दोस्तों यहाँ पे जो इसका कॉमन यूज होता है वो क्या होता है ना दोस्तों, किसी जोड़ों का दर्द हो गया, ठीक है, सर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, और मतलब किसी पेट के दर्द को छोड़ के बाकी जहाँ भी दर्द होता है उसके लिए ये टैबलेट को यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये जो तीनों मॉलिक्यूल तीनों सॉल्ट जो होता है ये क्या क्या काम करता है, एक एक करके आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों पहले बात करते हैं पैरासिटामोल की। पैरासिटामोल क्या होता है ना दोस्तों, जहाँ मतलब अगर आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द की वजह से क्या हो रहा है ना, थोड़ी थोड़ी बुखार भी आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जो एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज रहता है पैरासिटामोल में, तो फिर क्या करता है ना, उसमें जो दर्द की वजह से जो बुखार आपके शरीर में आता है, ठीक है, ये पैरासिटामोल क्या करता है ना, उसको ठीक करने में काम करता है। दोस्तों यहाँ पे एसिक्लोफेनाक क्या करता है ना, एसिक्लोफेनाक में दोस्तों एनएसएआईडी प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे कि नॉन स्टेराइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग का प्रॉपर्टीज रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है ना दोस्तों, अगर आपको पेन आता है तो पेन को तो वो रिलीफ करेगा ही करेगा, और उसके साथ साथ क्या करता है ना, जो सोइलिंग रहता है, ठीक है, सोइलिंग जो होता है उसको भी वो कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों यहाँ पे मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलना चाहूँगा, जैसे कि अगर मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया वायरस कुछ भी अगर आपकी बॉडी में एंट्री करता है, ठीक है, एंटर करता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, आपके बॉडी के अंदर ना इन्फ्लामेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये टैबलेट क्या करता है ना, वहाँ पे वो जो इन्फ्लामेशन होता है उसे रोकता है, यानी कि उसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों ये जो जेरोडेल एसपी का टैबलेट है इसमें जो एक और मॉलिक्यूल रहता है दोस्तों सेरेटियोपेप्टाइड्स, वो क्या करता है ना दोस्तों, सेरेटियोपेप्टाइड्स एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि शरीर के अंदर एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको वो क्या करता है ना तोड़ता है, जिसके वजह से
इन्फ्लामेशन जो होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे मतलब शरीर के अंदर ज़्यादातर जो इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों, ज़्यादातर प्रोटीन का स्टॉक रह जाने से इन्फ्लामेशन बढ़ता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो सेरेटियोपेप्टाइड्स होने के कारण वो क्या करता है ना टैबलेट, तो जो वहाँ पे जो प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, तो वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, तो जिसके कारण धीरे धीरे क्या होता है ना जो इन्फ्लामेशन होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे जानते हैं इसका जो कॉमन यूज होता है वो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हेडेक हो गया, ठीक है, बदन दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, जैसे कि जॉइंट पेन हो गया, उसके लिए भी यूज किया जाता है दोस्तों। कमर दर्द हो गया उसके लिए भी यूज किया जाता है दोस्तों। ज़्यादातर मोच के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ इसको घाव वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, जो पेन फेन होता है घाव वगैरह उसके लिए भी दोस्तों इसको यूज किया जाता है, चोट लगने के कारण भी इसको यूज किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो कि आइए जानते हैं कि क्या है कि दोस्तों, जो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस दवाई को नहीं यूज करना चाहिए, या फिर डॉक्टर के परामर्श लेके इस दवाई को यूज करना चाहिए, या फिर ऐसे कौन सी परिस्थितियां होता है, ठीक है, जिसके कारण आप इस दवाई को नहीं यूज कर सकते हो दोस्तों। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करने से पहले या फिर ड्राइविंग करने के टाइम आप इस दवाई को यूज ना करें, ठीक है। अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हो तो उसके साथ दवाई को बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप प्रेगनेंसी में हो तो ये दवाई को यूज ना करें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो ये दवाई को यूज ना करें। अगर और मतलब एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अगर आप किडनी डिजीज हो, मतलब अगर आपको किडनी डिजीज है या फिर लिवर डिजीज है, तो फिर इस दवाई को यूज ना करें, या फिर आप अपने मतलब डॉक्टर की परामर्श लेके इस दवाई को यूज करें दोस्तों। यहाँ पे जो इस टैबलेट को यूज करने में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि नाउजिया वोमिटिंग हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों डायरिया होता है, ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों स्टोमक पेन भी होता है, हार्ट बर्निंग भी होता है, तो फिर ये है मतलब कॉमन सा कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि है। तो फिर ये था सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि है दोस्तों जेरोडेल एसपी टैबलेट के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है, आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नोट दिखा हुआ है, मैं आपको मतलब क्लोथ शॉट लेके आपको दिखाता हूँ कि आखिर में है क्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा कुछ है टैबलेट, ठीक है, मैं आपको पूरा पास जाके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है टैबलेट दोस्तों। यहाँ पे टैबलेट में ये जो ब्रांड मतलब ब्रांडिंग किया गया है, ठीक है, मतलब जेरोडेल एसपी का कंपनी ने ब्रांडिंग किया है, मतलब लगाया है मार्क कुछ ऐसा। तो इम्पोर्टेंट सा बात ये है कि यहाँ पे दोस्तों एक वार्निंग दिया गया है, ठीक है, जो कि बताया गया है कि शेड्यूल एच वन ड्रग है, ठीक है, बताया गया है कि शेड्यूल एच ड्रग है, जो कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, नॉट बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। बताया गया है कि अगर आप प्रेस्क्राइब नहीं लाए हो तो फिर ये डॉक्टर मतलब ये मेडिसिन नहीं मिलता है, बट मतलब ये विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी मिल जाता है, लगभग सारा दुकानदार दे देते हैं इसको। और इम्पोर्टेंट सा बात है, और यहाँ पे भी एक जो यहाँ पे बॉक्स है ना, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सा चीज़ दिया गया है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आप जाके देख सकते हो, बड़ा करके यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कि वार्निंग दिया गया कि टेकिंग मोर देन डेली डोज ऑफ पैरासीटामोल में कॉज सीरियस लीवर डैमेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। बताया गया कि अगर आप पैरासीटामोल का डेली डोज लेते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप पैरासीटामोल का डेली डोज लेते हो, ओवर डोज लेते हो, तो फिर हो सकता है आपको लीवर डैमेज। और उसके साथ साथ दोस्तों एग्जांपल भी दिया गया है, स्वेलिंग ऑफ द फेस, माउथ, थ्रोट, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, इचिंग और रैश, तो ये सब भी हो सकता है, तो फिर ध्यान रखिए अपना दोस्तों। आइए जानते हैं इसका ये टैबलेट का डोज क्या है, ठीक है, कैसे लेना चाहिए दोस्तों ये टैबलेट। अगर आप 18 एज के ऊपर हो तो फिर ये टैबलेट को आप सुबह शाम दिन में दो बार ले सकते हो, ठीक है, दूध के साथ ले सकते हो। अगर दूध नहीं है तो फिर ठीक है, खाने के बाद आप दिन में दो बार ले सकते हो दोस्तों। तो फिर ये था सारा कुछ जेरोडेल एसपी का टैबलेट है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दोस्तों। ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, ये सारे जगह पे मिलता है, मतलब किसी भी आप मेडिसिन शॉप में चले जाओगे तो ये टैबलेट मिलता ही मिलता है। इसके लिए भी जेरोडेल मतलब कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या
प्रचार वगैरह किया, बोलते हैं जैसे कि प्रचार वगैरह किया हुआ है, ठीक है, वो बहुत ही मिलता है, मतलब कॉमन सा मेडिसिन है, किसी भी मेडिसिन शॉप में आपको आराम से मिल जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो फिर यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर कुछ ही लोग के पास पहुँच सके तो फिर जानकारी भी मिल सकता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है सब लोग के लिए। तो फिर इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।